थैंक यू सुनीति मैम. यू वेलकम मैम. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप? स्वस्थ? सब घर में बढ़िया? चलिए तो मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम, इट इज कमिंग एंड आई पुट यू फॉर द स्पॉटलाइट टू एवरीवन. ओके. गुड मॉर्निंग पूना मैम. गुड मॉर्निंग. है ना, कैसे हैं आप? बढ़िया? एकदम बढ़िया. आपको देख के और बढ़िया हो जाती हूँ मैं. ओह वाह, थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूंगी और सभी का वेलकम है आज के हमारे प्रोग्राम में. और ये जरूर जरूर सुनना चाहिए, हर घर में लेडीज जरूर हैं, है ना? तो हस्बैंड को, सास ससुर को, सभी को ये चीज सुननी चाहिए. औरतों को तो वैसे भी सुनते हैं, आज तो स्पेशल सुनना ही चाहिए, राइट? थैंक यू करना चाहूंगी मैं सबसे पहले गॉड का, माता रानी का, जिनकी वजह से मैं इस वेस्टिस फैमिली में हूँ. इस पेंडेमिक टाइम में भी लोग जाने कैसे कैसे, आपको पता ही है सिचुएशन चल रही है, बट मैं आज भी मेकअप करके, लिपस्टिक लगा के, रेडी होके हम लोग सब मोटिवेट बातें कर रहे हैं. थैंक्स है इस चीज का, इस फैमिली का. नेक्स्ट, मेरे अप्लायंस का बहुत बहुत धन्यवाद है जो मुझे इस परिवार में लेकर आया, वरना पता नहीं वही होती, राइट? और थैंक्स है सुरभि मैम का, और सुगंधी मैम बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देती हैं हमें. और सुरभि मैम तो जब भी मैं थोड़ा सा घर में कभी फ्री भी रहूं तो कल्पना मैम क्या कर रही है आप, आओ ना ये करते हैं, मिलके शो करते हैं, बहुत सारी चीजें, है ना, अच्छा लगता है. और थैंक्स है मेरी बहुत अच्छी प्यारी लवली टीम का, जो जबरदस्त टीम है, क्या बोले, वो जितनी तारीफ करे उतना कम है, राइट? तो आज का जो सवाल है मैम आपका, कि एक हाउसवाइफ से लेके बिजनेस वुमन का सफर, तो वो ये है कि हाउसवाइफ तो ठीक है, होता है, और पूरे दिन भी अगर हम काम करें तो भी एक ऐसा नहीं होता है कि वहां से हम कुछ हासिल कर पाए, यानी कि एक फैमिली के अंदर ही हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, सभी का ख्याल रखते हैं, बच्चे, हस्बैंड, सास ससुर, है ना, सबका रखते हैं, वो हमारा फर्ज है, राइट? पहला फर्ज हमारा वही है. मेरी सोच है कि एक औरत अगर सुंदर सा घर सजा के, संवार के, बच्चों को अच्छा बना के, सुंदर सुंदर स्मार्ट स्मार्ट बच्चे बना के, स्कूल भेज के, घर साफ करके, अच्छा अच्छा टेस्टी खाना बना सकती है, तो उसके लिए बिजनेस क्या है, है ना? कुछ भी नहीं, राइट? क्योंकि हम सबको संभालते हैं घर में. आप देखिए जितनी लेडीज हैं आज, अपने आप को कम मत समझिएगा, आप हस्बैंड को संभालती है, सबको संभालती है घर में, सास ससुर, रिस्पेक्ट, मायका भी, यस, पापा मम्मी भी जिन्होंने जन्म दिया, रिश्तेदारी, सब कुछ संभालते हैं, तो एक बिजनेस क्यों नहीं हम संभाल सकते, ऐसी मेरी सोच थी. बट बहुत डर था कि मैं इतनी पढ़ी लिखी, इतना ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मैं एक बिजनेस वुमन टाइप या कुछ बड़ा जॉब या बड़ा रैंक मुझे मिलेगा. और शादी भी थोड़ी जल्दी हो गई थी तो इतना कुछ आता नहीं था. शादी के बाद भी ससुराल आके जेठानी से सबसे काम घर का सीखा, सीखना जरूरी है, राइट? बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, आप बोलोगे मैम ट्रेनिंग दे रही है, मेरा सिंपल है, सीखना जरूरी है. आप सीखेंगे तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे. अचार डालना, बेडशीट कैसे धो के प्रेस करके सुखाना, राइट, घर में साफ झाड़ू और पोछा कैसे लगाना, टेस्टी खाना कैसे बनाना, ये सब मैंने शादी के बाद सीखा. और सीखते सीखते जब घर संभाल लिया, वो चीज बहुत आसान हो गई, राइट? बहुत आसान हो गई, वो इतनी आसान हो गई कि उसमें एंजॉय आने लगा. बातें करते करते रोटी गोल बनने लगी, है ना, और बातें करते करते सब्जी बनने लगी, राइट? तो फिर जब बच्चे हुए तो लगा कि ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, है ना, रियलिटी सामने आ गई कि खुद अपनी इच्छा पूरी करें या बच्चों की करें, राइट? और एक ही इनकम, हस्बैंड भी क्या क्या करें, गवर्नमेंट जॉब, आर्मी में, है ना, इतनी सैलरी भी नहीं थी, सिपाही थे, राइट? तो करे कैसे करे, शुरुआत कुछ ना कुछ करना चाहती थी बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि उनको उनको हम एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, सभी माँ देना चाहती है. कभी सूट सिला, कभी स्वेटर बनाए, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, ब्यूटिशियन का कोर्स किया, फेशियल किया, राइट? और शादियों में दूसरों को सजाया, खुद थक के सो गए, पार्टीज में अपने घर बच्चों को भेज दिया, खुद हिम्मत ही नहीं. एक औरत कितना कर लेगी घर को संभाल के, फेशियल करके, किसी को सजाना संवारना 1.5 घंटा लगता है, राइट? तो ये सब करते करते जब हुआ तो थैंक्स है, एक दिन वेस्टिज मेरी लाइफ में आया. एज अ सूट साड़ीज की शॉप बनाई मैंने, छोटा सा पार्लर बनाया, बिल्कुल गांव में रहती हूँ मैं. करते करते ये बिजनेस मेरी अपलाइन मेरे घर में लेकर आई. 6 महीने मैंने उनको बहुत परेशान किया, राइट? क्योंकि थोड़ा हर चीज
इतने आसान नहीं होती ना, तो गलतियां हम करते हैं स्टार्टिंग में, कई लोग करते होंगे ना, और ऐसे करते करते जब तंग किया मैंने उनको बहुत, उन्होंने मीटिंग में बुलाया, सीएनडी में बिठाया, थोड़ी देर बाद वहां से भी भागे। क्यों? क्योंकि शॉप में डेली पान कुआं खोदो पानी पियो, कुआं खोदो पानी पियो, राइट, ये था। और कोई बात नहीं, फिर लाइफ आगे बढ़ी। जिस दिन मुझे समझ में आ गया इस बिजनेस में कुछ है, राइट, जनरेशन प्लान है, अगर मैं मेहनत करती हूँ मेरे बाद मेरे बच्चों को पैसा आता है, जिस दिन मुझे ये बात समझ में आई मैंने इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया, घर का काम थोड़ा जल्दी निपटा दिया, राइट, स्टार्टिंग ऐसे ही होता है, एकदम से हम काम वाली रखें पॉसिबल नहीं है, शायद कई लेडीज समझ रही होंगी मेरी बात, है ना। स्टार्टिंग अपने आप से काम किया, फटाफट काम करके दो तीन मीटिंग करी, फटाफट काम करके दो तीन मीटिंग, दिन में सोना बिल्कुल छोड़ दिया बिल्कुल, राइट। तो धीरे धीरे मैंने जब रोज डायरेक्टर इस बिजनेस में किया, मेरा 19,554 का चेक आया, और मैंने नेक्स्ट मंथ सिल्वर विद एलो भी किया, 31,028 रुपए आया। जिस दिन मैंने 31,028 रुपए आया, मैंने बच्चे को, बच्चे के पापा को, फैमिली को बता दिया कि मैं ये बिजनेस कर रही हूँ, मुझे रोकना मत, 31,000 आया है तो 62,000 भी आएगा, इतने मुझे चाहिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, राइट। इस सोच के साथ काम करना शुरू किया, वो 31, पहला चेक 126 रुपए, और 31,000 के बीच का जो सफर था वो बहुत टफ था, राइट। शुरू शुरू में झूठ बोल के बिजनेस किया, मम्मी के यहाँ जा रही हूँ, दिन भर मीटिंग किया, सिस्टर के यहाँ आज पार्टी है, दिन भर मीटिंग किया, ये सब, ये ज्यादा चलता कैसे, राइट, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते तो ज्यादा चलती भी नहीं है। तो घर वाले समझ गए ये कुछ कर रही है, और धीरे धीरे क्लियर हो गया, चांद चढ़ता है सब दिखता है, है ना। लेकिन चांद के चढ़ने के बीच का सफर होता है टफ, कहीं लेडीज को होगा टफ, लेकिन घबराइएगा नहीं। जब सिंपल है, कभी हमें कोई साड़ी बहुत पसंद आती है और सब मना करते हैं कि हम छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते, है ना। तो यहाँ तो बच्चों का सवाल था, मेरे बच्चों का सवाल था, यहाँ तो मुझे पहुंचना था कहीं ना कहीं, मान सम्मान किसे पसंद नहीं। कहाँ होता है ऐसा, है ना, कहाँ होता है, बुके लेकर आए हैं, मिठाई लेकर आए हैं। तो ये जो लाइफ है यहाँ पर, ये लाइफ बाहर की दुनिया में नहीं है, बाहर टांग पीछे के बिजनेस किया जाता है, यहाँ पर हाथ पकड़ के आपको अपने साथ उठा के बिजनेस किया जाता है, राइट। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करें, ऑलरेडी सूप साड़ीज की शॉप है मेरी, वहां पर हम लोग आपस में थोड़ी ना किसी को बताते कि जाओ दिल्ली से इस शॉप से, इस होलसेलर से सामान लेकर आओ, नहीं, टांग खींची जाती है, सच्चाई है, है ना, मैं क्यों बताऊं, राइट। और हमारे, हमें पैसा ही यहाँ बताने का मिलता है, आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, लिपस्टिक का नंबर क्या है, आई शेडो का नंबर क्या है, राइट, और फाउंडेशन का नंबर क्या है, यूज कैसे करते हैं, खूबसूरत कैसे दिखते हैं, राइट। ये था, और ये सफर ऐसे ही चलता रहा, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उतार चढ़ाव आएगा बिजनेस में, कभी चेक डाउन गया, अब गया, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मुझे 1,00,000 क्रॉस करके लीडिंग लीडी में आना था, राइट। 20,00,000 की जिप कंपास कार में यहाँ से अचीव करके एंजॉय कर रही हूँ, ब्लैक कलर की चमचमाती हुई, राइट, कैसे इसी चीज को, कुछ चीजों को छोड़ के लोगों ने हमें भी बहुत कुछ बोला कि साबुन तेल चाय पत्ती शैम्पू बेचते हैं, थैला लेके चलते हैं, राइट। और हमने भी मन में सोचा, यार चोरी तो नहीं कर रहे, एक थैला ही लेके तो चल रहे हैं, लोगों को गैस जलन से छुटकारा दिला रहे अपनी चाय पत्ती दे, राइट। तो इस सोच के साथ काम किया, सामने वाले को हमेशा बेनिफिट दिलाते दिलाते हाउसवाइफ से मैं बिजनेस वुमन में आ गई। मैंने दो काम वाली रखी अपने घर में, अंदर एक बाहर, एक काम करना पड़ता ही नहीं, लेकिन आजकल बहुत करना पड़ रहा है, राइट। और बहुत, मतलब ये है कि कुछ चीजें पाने के लिए कुछ चीजें आपको सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। जब भी घर की किसी पार्टी या बिजनेस प्लान में एक चुनना पड़ता था तो मैंने बिजनेस प्लान ही चुना, क्यों, मुझे यहां से चाहिए ना, वहां से चाहिए था कुछ तो वहां जाती, बट चाहिए यहां से लाखों रुपए हैं तो फिर मैंने यही चुना। जहां पर एक डिसीजन कोई तो देखता है, है ना, आपको कोई नहीं देखता तो क्या हुआ, कोई तो जरूर देखता है कि यस इनका डिसीजन क्या है, तो रिजल्ट भी बाय प्रोडक्ट होगा ही होगा, है ना। तो अगर मैथ्स की पढ़ाई करेंगे तो मैथ्स में नंबर आएंगे, सेम वही है, अगर माइकी की पार्टीज एंजॉय करती तो यहाँ पीवी वीवी कहाँ से आते, बट उसको छोड़ के यहाँ किया। अब मेरे को यहाँ पे 4.5 साल होने को है, मैंने कम से कम भी यहाँ से 27,60,000 और 147 रुपए टोटल पिछले मंथ तक मैंने यहाँ से कमाए, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे अकाउंट में लाखों रुपए हैं जो पहले कुछ भी नहीं होते थे, जो थोड़े होते भी थे तो ये ट्यूशन फीस, ये स्कूल फीस, ये
यूनिफॉर्म खराब हो गई, बुक्स बदल गई, राइट, बहुत सारी चीजें होती थी। पहले हम ये करते थे, अब मैं टैग तक नहीं देखती कि कौन सा ड्रेस किसका है, राइट। और सबसे बड़ी बात जो मेरी, जो आप लोगों को भी टच करेगी, पहले दिवाली में बर्तन, लोटा, कलश, है ना, ये सब कब तक चलेगा? हाउसवाइफ में यही चला, बट अ बिजनेस वुमन, राइट, डायमंड का ब्रेसलेट, गोल्ड की रिंग, किसी से नहीं पूछा, जो अच्छा लगा ले आए। अगर आप लोग भी यही लाइफ चाहते हैं तो कुछ तो सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे। चांद चढ़ता है, दिखता है, वो सफर आपको जरूर तय करना पड़ेगा। सो रुकिएगा नहीं, कोई भी चैलेंजेस आए, चैलेंजेस सभी के साथ हैं जो जिंदा है। हम नहीं है तो कोई चैलेंज ही नहीं, सभी के साथ चैलेंज। मैं ये नहीं बोलूंगी कि मैं इस तरह से उस तरह से नहीं, चैलेंजेस हमें भी आए थे, वो सब हमने पार करके, और ईश्वर की कृपा थी, लगे रहे, कंसिस्टेंसी लगे रहे। कभी नहीं सोचा कि इस महीने 7,000 आया, 4,000 आया, नहीं, लाखों में पहुंचना है। बहुत सारे अपलाइन पहुंच चुके हैं, हमें भी पहुंचना है, क्लियर था। और जहां क्लियरिटी होती है वो जाना आसान हो जाता है, राइट। और यही सब मैसेज देना था। और थैंक यू सो मच पूनम मैम, आज मेरा सफर आपने याद दिला दिया। और मेरी टीम में ज्यादातर सारी लेडीज हैं, 3-4 कारें आ चुकी हैं मेरी टीम में, 3-4 कारें और आ रही हैं। नेक्स्ट कार मेरी रेंज रोवर होगी बहुत जल्द, और लेकर आऊंगी। थैंक यू सो मच, पार्टी में हमें बुलाना मत भूलिएगा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो 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 वेरी मच कल्पना मैम। एंड आई कैन सी, जब आप बात कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों के फेस पे एक वो वाली स्माइल थी, कह रहे ये तो मेरे साथ भी है, यू नो आई कैन कनेक्ट विद दिस, कि हाँ हम कहीं बोलकर कहीं जा रहे हैं, बट ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर अ गुड रीजन। तो जो कहते हैं ना, अच्छाई के लिए बोला गया, झूठ भी भगवान माफ करता है, सो समथिंग लाइक दैट। तो इट इज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू, एंड आपका जो स्टोरी था वो बहुत ही कनेक्टिंग था, एंड आई एम श्योर ऑल द ऑडियंस, इनफैक्ट मैं देख रही थी एक यहाँ पे प्रेमा मैम जी ने ज्वाइन किया हुआ है, और उनके एक्सप्रेशन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं तब से उन्हीं के एक्सप्रेशन एक्चुअली नोटिस कर रही हूँ। आई थिंक वेरी कनेक्टेड विद योर आंसर्स, तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर पैनल मेंबर। मैंने आपसे पहले ही कहा था, सेशन शुरू होने से पहले ही, कि आपको हर एक बंदे में आप अपनी खुद की परछाई को महसूस करेंगे। तो अभी तक आप हमारे ऑलरेडी दो पैनल मेंबर को सुन चुके हैं, चलिए तीसरे के